तो गाइस मैं ये बोल देता हूँ कि मैं इस गेम को एक बार खेल चुका हूँ और प्रैक्टिस करके मैं इस आपको दिखाने वाला हूँ। और ये एक हॉरर गेम है, कृपया जो बच्चे हैं इसको ना देखें, तो बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। तो ये स्टार्टिंग होता है एक घर से, एक बच्चा खड़ा हुआ सुआ हुआ है और बाहर कोई आत्मा है। असल में आत्मा उस अलमारी में भी है और वो बाहर कर उसको डराने वाला है। डराने के बाद बच्चा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तो ठीक है, घबराने के बाद हम इस गेम को खेलने हैं। तो इसके बाद गेम हमारा शुरू हो जाता है। ट्यूटोरियल ऐसा ही राइट एंड टेस्ट आपको दिखाएगा, इसको पढ़कर आपको आगे की स्टेप करना है। और एक बात, इसके ऊपर एक बटरफ्लाई ऑप्शन आ रहा है, इस यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं। तो देखिए वहाँ पर एक दरवाज़ा है, हमको यहाँ पर घुसना है। इसके बाद ट्यूटोरियल रीड टू कन्वर्सेशन। तो इसके बाद और एक दरवाज़ा है जहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, हम लॉक करें पर लॉक से कोई हमको कोई आंसर नहीं दिया। तो इसीलिए हम और एक नेक्स्ट डोर है इसके पास चले गए। वहाँ पर जब देखे कि वो ऑटोमेटिक खोल गया, असल में एक बाथरूम था। हम बाथरूम करने गले गए और आगे खिड़की के पास हमको कुछ दिखाई दिया। कुत्ता देखकर बहुत डर गया और वो अंदर चला गया। इसके बाद मैं भी इसके पीछे पीछे जाने लगा और आप देख चुके हैं मेरे पीछे ही वो खड़ा हुआ है। जब मैं बिल्ली को फॉलो कर रहा था तो मुझे वो एक अजीब सा रूम में ले गया जहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस ऐसा ही कुछ था। वो बाहर चला गया पर मैं बाहर कैसे जाऊँ, असल में डोर लॉक था। इसीलिए मैं क्या करूँगा ना, इस चीज़ को लाकर यहाँ पर एक चाबी है इसके नीचे लगा दूँगा और उसके बाद मैं चाबी को ले आऊँगा और वो जो दरवाज़ा है मैं इसको लॉक को फिटा दूँगा। तो देखिए लॉक फिट गया। दरवाज़ा ओपन हो गया, ओपन नहीं हुआ, ओपन हो गया, ये हो गया ओपन। तो मैं बाहर चलकर अपना काम कर सकता हूँ और आगे जाकर मेरा वर्कआउट कर सकता हूँ। जो मुझे टैक्स देगा उसे मैं करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक टैक्स देगा, मैं आगे चलूँगा और ऐसे ही आगे चलूँगा। जब मेरा ऊपर बटरफ्लाई ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एक कुछ है जिसको देखकर मुझे डर लगा और बहुत सारा डर लगा। असल में जब ये हलाना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, मैं यहाँ से चला गया। उसके बाद मैं एक चीज़ में आ गया जिसमें उससे छुटने लगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ा तो देखा कि आगे एक गड्ढा है, उस गड्ढे में मैं गिर जाऊंगा। तो इसीलिए मुझे एक ऐसा चीज़ चाहिए जिससे मैं उसको पार कर सकूं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक दरवाज़ा था उसको उसके ऊपर पका दिया। उसके बाद मैं बहुत ही इजी से पार हो गया। उसके बाद मैं और एक जगह पहुंच गया जहां पर एक डॉल था। डॉल को मेरे कीबोर्ड में मैं रख लिया और वहां पर छुप गया क्योंकि वहां पर वो डायन आ रहा था।
जब वो वहाँ से चला जाएगा तभी मैं वहाँ से जा सकता हूँ, वरना मैं जा नहीं सकता। तो ठीक है, वो चला जा चुका है, मैं अभी आगे बढ़ने वाला हूँ। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कीप गोइंग ऑप्शन को चालू करूँगा और मैं आगे भर चुनूँगा। तेज़ी से मैं दौड़ने लगा। और एक चीज़, यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है जिसको लाकर मुझे पीछे लाना है। 1, 2, 3 को मुझे पीछे लाना है, उसके बाद मुझे मेरा रास्ता दिखाई देगा। तो ठीक है, मुझे मेरा रास्ता दिखाई दा जैसे होता है और मैं इसके अंदर अभी जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पीछे वो डायन फिर से आ गया। तो मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ूँगा और भारी तेज़ी से आगे बढ़कर इससे निकलूँगा और पीछे जो डायन है मुझे पकड़ नहीं सकते, ये मैं कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मैं अभी भाग चुका हूँ, भाग कर मैं आगे बढ़ने लगा और यहाँ पर मैं छुप जाऊँगा क्योंकि आगे और एक डायन है। तो इसके बाद मैं, मेरे ऊपर एक बॉकेट है, मुझे इसको भी कलेक्शन करना है, पर इसको कलेक्शन करने के लिए मुझे एक स्टोन चाहिए जो कि मुझे आगे मिलेगा। तो स्टोन कलेक्ट करने के लिए मुझे एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे छुपना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी वो डायन आ गया। जब डायन वापस रिटर्न चला जाएगा तभी मैं कुआं के आर पार होकर वो स्टोन ला लाऊंगा और उसके बाद मुझे उसको मेरे बकेट में रखना है और पीछे जाकर फिर से छुपना है क्योंकि वो डायन फिर से आ जाएगा। तो जो वो रिटर्न चला जाएगा, मैं बॉकेट को स्टोन के मदद से नीचे ला जाऊंगा और उसके बाद मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो ठीक है, बॉकेट आ चुका है, उसके बाद बॉकेट को मेरे बॉकेट में रखना है। तो ठीक है, बॉकेट कलेक्शन हो चुका है और उसके बाद मुझे वो कुआं की तरफ जाना होगा जहाँ पर इस बॉकेट को मैं नीचे फेंकूँगा और एक दुनिया में चला जाऊँगा। तो ठीक है, मैं अभी छुप चुका हूँ, वो डायन आ चुका है, उसके बाद मैं अपने बॉकेट को इस कुएं में फेंकूँगा और उसके बाद मेरे नेक्स्ट टेक्स्ट और टैक्स के लिए मैं तैयार रहूँगा। तो ठीक है, मैं और एक वीडियोज में इसका पार्ट 2 दिखाऊँगा। तब के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, रहता हूँ, धन्यवाद।